मूत्र जननांग क्षेत्र में बैक्टीरिया के विकास होने पर मूत्र मार्ग में संक्रमण यानी यूरिन इन्फेक्शन होता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यूरिन इन्फेक्शन कैसे होता है और इसको कैसे ठीक किया जाए। यूरिन इन्फेक्शन का होना आजकल एक आम समस्या बन गई है और ये अक्सर तेज मिर्च मसालों का सेवन, अधिक शराब पीने से, दूषित पानी पीने से और जरूरत से ज्यादा वक्त पेशाब रोकने से भी हो जाता है। और एक कारण यह भी हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तब भी अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको पेशाब संबंधित विकारों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए। महिलाओं और किशोरियों को विशेषकर गर्मी और बरसात के मौसम में खास तौर से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेशाब लगने पर यानी कि जिस समय पेशाब आए उसी समय कर ले तो अच्छा ज्यादा होगा। ज्यादा देर तक पेशाब को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि पेशाब में बैक्टीरिया होते हैं और जब हम पेशाब को रोकते हैं तब ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ये बैक्टीरिया मूत्राशय को संक्रमण का कारण बना सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। इन्फेक्शन का डर तब होता है जब हमारे शरीर में यूरिन बहुत ज्यादा समय तक रुक रहे या अधिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो भी डर वाली बात है। अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो इस तरह के संक्रमण के दौरान अधिक मात्रा में पानी पिए, जूस या सूप का सेवन करें क्योंकि इससे मूत्र प्रवाह बढ़ता है और किसी भी संक्रमण के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। खूब विटामिन सी युक्त जूस भी ले सकते हैं, जैसे अनानास, सीड्स फ्रूट, फल भी जैसे नींबू, मौसम्बी, संतरा और अनार। और ज्यादा मात्रा में पानी पीना इसका सबसे अच्छा उपचार तो है ही। ढेर सारा पानी पिए जिससे बैक्टीरिया का नाश हो सके। जो का पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पीना एक अच्छा उपाय है। ध्यान रहे कि जो का पानी आपके पेट में एसिड की मात्रा घटा देता है जिससे आपके पेट की शांति मिलती है। ध्यान रखिए कि सिर्फ आपके पेट की शांति की बात हो रही है, नहीं तो आप कुछ और समझ ही लें। यूरिन इन्फेक्शन के समय चाय, कॉफी, चॉकलेट को हाथ बिल्कुल ना लगाएं। दालचीनी और बोचा चाय की पत्तियां ये घरेलू उपचार है। ऐसे में आप मही यानी कि मट्ठा भी ले सकती हैं, जो सबसे अच्छा समाधान है जो इन्फेक्शन को फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारता है। ऐसे में हर्बल चाय का सेवन करने से बीमारी पूरी तरह से सही हो जाती है। दोस्तों अब आप भी समझ गए होंगे कि मूत्र विकार यानी यूरिन इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, साथ ही हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप भी इन विकारों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाइए जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो और आप स्वस्थ रहें। यूरिन न्यूज रोम की रिपोर्ट।